अब देखो, सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो बात करूंगा मैं कि जब शेयर्स का पैसा मंगवाया जाता है तो एक शेयर का जो वैल्यू होगा 10 रुपीज हम रखेंगे मैक्सिमम केसेस में। वैसे तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100, वो आपके इच्छा के ऊपर है कि फेस वैल्यू कितना रखोगे। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे बोलते हैं कि हमारे एक शेयर का वैल्यू ये रहेगा, उसको बोलेंगे हम फेस वैल्यू। मैंने अपने एग्जाम्पल में एक लिया है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। 10 रुपए मैं आपसे एक साथ नहीं मांगूंगा, आपसे मैं बोलता हूं कि 10 रुपए इकट्ठा मत दो, आप 10 रुपए को आप टुकड़े में दे दो, यानी धीरे धीरे करके दो। यानी पहले मुझे आप दे दो 2 रुपए, उसके बाद जब जरूरत होगी, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इतने दिन में आपसे मांगूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा 3 रुपए, जरूरत पड़ी तो मैं मांगूंगा फिर 1 रुपए, और फिर मांगूंगा 4। इन सब को सम करोगे तो टोटल कितना हो रहा है, 10। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि मैं आपसे तो 10 रुपए ही लूंगा, लेकिन एक साथ लमसम में ना लेके इंस्टॉलमेंट में लूंगा। तो जब मैं मांगने जाऊंगा तो जैसे जैसे अमाउंट मांगूंगा, हर किसी का एक अपना नेम होगा। यानी अगर मैं पहली बार आपसे पैसे मांगूंगा तो इसको कॉल करेंगे शेयर एप्लीकेशन। उसके कुछ दिनों के बाद जैसे मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फिर मैं आपसे पैसे मांगूंगा, उसको बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फिर से मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं 1 रुपए डिमांड करूंगा, उसको बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो अब लास्ट बार मांगने वाला हूं, और लास्ट बार मैं मांगूंगा आपसे 4 रुपए, तो मैं लास्ट को फाइनल वर्ड दे सकता हूं, और फर्स्ट के बाद जो नंबर आएगा सेकंड, ये भी दे सकता हूं। यानी मैं इसको या तो बोल सकता हूं शेयर फाइनल कॉल, या ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि हमेशा यही फिक्स रहेगा, कुछ भी हो सकता है। क्या पता एप्लीकेशन पे 1 रुपए हो, और क्या पता अलॉटमेंट पे 2.5 रुपए हो, मतलब फ्रिक्शन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा डिजिट होगा। तो कंपनी अकाउंट के अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। यानी आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, और पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपसे पैसे एक साथ नहीं मांगूंगा, धीरे धीरे। मान लो आपने 5 शेयर खरीदे, 5 शेयर अगर आपने खरीदे तो मैं एप्लीकेशन पे बोलूंगा लाओ एप्लीकेशन के पैसे 2 रुपए, तो आप मुझे 10 रुपए दे दोगे। 5 शेयर लेना चाहते हो और 2 रुपए मैं एप्लीकेशन पे मांग रहा हूं, तो टोटल कितना दोगे आप, 5 × 2 में 2, 10 रुपए। फिर मैं अलॉटमेंट के टाइम पे मांगूंगा, क्योंकि दूसरी बार जो मांगने जाऊंगा उसको क्या नाम देंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे मांगूंगा तो अलॉटमेंट पे कितने मांगूंगा मैं, 5 × 3, 15 रुपए। इसी तरीके से फिर मैं मांगूंगा फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे है तो मांगूंगा 5 × 1, 5 रुपए। फिर मैं मांगूंगा आपसे फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल बोल लो या सेकंड बोल लो, 4 रुपए का है तो 5 × 4, 20 रुपए। क्या इतना मैक्सिमम नहीं, इसके आगे भी सेकंड थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा देता नहीं एग्जामिनर जनरली। अब हमें सीखना क्या है, कुछ टर्म्स सीखना है, उसके बाद हर किसी के लिए क्या क्या जर्नल एंट्री है वो सीखेंगे। पहले तो मैं हर किसी का जर्नल एंट्री कर देता हूँ। देखो, जब आप मांगोगे मेरी कंपनी से शेयर्स तो एक आप फॉर्म फिल करके दोगे, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, और फॉर्म के साथ चेक लगा के दोगे। मैं 5 शेयर का एग्जाम्पल ले लूँ तो आप 5 शेयर के हिसाब से मेरे से क्या करोगे, पैसे दोगे, और उसके बाद फिर मैं आगे का फर्दर प्रोसेस करूंगा। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री, इसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगले का क्या होना चाहिए, और साथ के साथ इसके कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तो जर्नल एंट्री अगर मैं करूं तो फॉर्मेट जर्नल एंट्री का वही रहने वाला है जो कि पहले सीखा हुआ है।
देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, कोई है क्या? जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर जर्नल, अब इसके अंदर आप इस बात को ध्यान रखना है, यहां पे डेट तो होगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम केस में डेट नहीं होगा। तो आप एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप इसके अंदर सारा सीरियल नंबर रिकॉर्ड करोगे, डेट मेंशन नहीं होगा। अब मैं सबसे पहले जनरल एंट्री करूंगा, और मैं जनरल एंट्री करना चाहता हूँ शेयर एप्लीकेशन का, यानी जब ये आप मुझे दोगे तो ये होगा कैसे? देखो आप मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन दोगे और एप्लीकेशन के साथ चेक दोगे, तो यानी मेरे बैंक में पैसा आएगा। तो एंट्री मैं क्या करूँगा इसके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आपने 5 शेयर मांगे हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे अगर मैंने 2 रुपए डिमांड किया हुआ है तो 10 रुपए आप मुझे दोगे। उस 10 रुपए की डिटेल मैं इस साइड में लिख देता हूं। 10 रुपए कैसे? 5 मल्टीप्लाई में 2, 5 नंबर ऑफ शेयर है और 2 रुपए का एप्लीकेशन है, तो 10 रुपीज एंड 10 रुपीज, एक नॉमिनल अमाउंट मान के मैं कर रहा हूं। इसका मीनिंग है कि आपने एप्लीकेशन मेरे मुझे दिया तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको मुझे शेयर्स देने हैं। शेयर तब तक नहीं माना जाएगा मैंने आपको दे दिया जब तक कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट ना दे दूं। तो शेयर सर्टिफिकेट ना दे दूं, शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया और इसका बीइंग होगा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। इसके बाद अगर मुझे आपका शेयर एप्लीकेशन रखना है आगे, आपको शेयर देना है, तब तो एक एंट्री होगा। अगर आपके शेयर को नहीं देने तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो पैसे वापस करने को बोला जाता है रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट मैं कैसे करूंगा? रिजेक्ट करने का सिंपल प्रोसेस है, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे रिजेक्ट वाली एंट्री नहीं बता रहा आपको, आगे आपको मैं शेयर्स दूंगा, तो शेयर्स देने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसका बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री, और यहां पे भी 10 रुपए आएगा और 10 रुपए। शेयर एप्लीकेशन का मैंने फर्स्ट एंट्री कर दिया है, यानी एप्लीकेशन जब भी मांगेंगे तो उसके लिए 2 एंट्री करना ही करना पड़ेगा, एक पैसा लेने का और एक शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने का। सेकंड पॉइंट अगर देखे तो अब अलॉटमेंट का टाइम आ गया। तो अलॉटमेंट पे, इस टाइम पे जब मैं शेयर एप्लीकेशन जब आपने मुझे दिया था तो मैं आपको नहीं जानता था। एप्लीकेशन देने के बाद मैंने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा, यानी डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, सब कुछ पता चल गया। इसके बाद मैं
मेरा और आपका एक तरीके से रिलेशन बन गया कंपनी के साथ, और अब कंपनी आपसे पहले पैसे नहीं मांगने वाला, पहले बोलेगा कि भाई मुझे पैसे दो। स्टार्टिंग में मैं ऐसे नहीं बोल सकता था पैसे दो, स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा था, जिसको चाहिए पैसे लेके आ जाओ एप्लीकेशन के साथ। पहले में क्या था, जिसको चाहिए पैसे लेके आ जाओ एप्लीकेशन के साथ। तो आपने मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर दिया मैंने, और फिर मैंने क्या करा, जो जो पर्सन यानी जो जो शेयर होल्डर, जो जो पर्सन मेरे पास पैसे लेके आए, उन सबों को मैंने क्या करा, धीरे धीरे शेयर्स देता गया। तो एंट्री क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन किसी काम का नहीं है, इस एप्लीकेशन को मैं डिस्ट्रॉयड कर दूंगा, और टू शेयर कैपिटल मैंने लाइबिलिटी बना दिया क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। अब पहली बार में मैंने क्या बोला कि आप मेरे पास पैसे लेके आओ, मैं आपको शेयर दूंगा। अब दूसरी बार मेरा बोलने का टर्म्स अलग होगा, दूसरी बार मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे पैसे दो, फिर आप मुझे पैसे दोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता था पहले शेयर्स ले लो बाद में पैसे देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो हमें पहले पैसे लेना है, किस किस को देना ये चेक करना पड़ेगा। सेकंड टाइम में मैं ये बोलूंगा कि आप मुझे पैसे दो, और मैं किससे मांगने जाऊंगा, जिस जिसको मैंने शेयर दिए हुए हैं उन हर व्यक्ति के घर पे नोटिस भेजूंगा मैं, और नोटिस भेजूंगा उसके अंदर लिखा होगा कि आपका अगला पैसा कंपनी को जरूरत है और मुझे आप जमा करवाए। अगले पैसे का मतलब अलॉटमेंट का पैसा, तो पहले मैं मांगूंगा और फिर आप मुझे पैसे दोगे। तो मांगने के टाइम पे ही मैं आपके घर पे शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री मैं किसकी करने वाला हूं, शेयर अलॉटमेंट के नाम की। इसके लिए भी दो एंट्री, एक मांगूंगा उसकी एंट्री अलग है, और एक जब आप पैसे दोगे उसकी एंट्री अलग है। एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने अलॉटमेंट का पैसा आपसे मैं मांग रहा हूं। अलॉटमेंट का पैसा मैं क्यों मांग रहा हूं, एसेट्स है मेरा ये है, कंपनी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री एसेट्स है, क्योंकि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दूंगा। तो मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बीइंग क्या लिखेंगे, आपने मुझे पैसे दिए नहीं है अभी, मैंने मांगा है, तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब आपसे लेना बाकी है, तो मैं लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। और अमाउंट कितने आने वाला है मेरे पास, 5 शेयर था और 3 रुपए का, तो 15 रुपए, 15 रुपए। अभी पहली एंट्री का मतलब पैसे मिल चुका है, सेकंड एंट्री का मीनिंग है कि मैंने शेयर दे दिया, थर्ड एंट्री का मीनिंग है मैंने आपसे पैसा मांगा है, और पैसा किस चीज का मांगा, अलॉटमेंट का। अब आप मुझे पेमेंट दोगे, जब आप मुझे पेमेंट दोगे तो मेरे बैंक में पैसा आएगा। तो अगली एंट्री में क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और जो मेरा एसेट्स था उस एसेट्स को रिप्लेस कर दूंगा। यानी पहले मैं किसको एसेट्स मान रहा था, अलॉटमेंट को एसेट्स मान रहा था, जैसे ही आप मुझे बैंक में पैसा दोगे तो मेरा अलॉटमेंट यानी एसेट्स मेरा रहेगा नहीं, तो उस एसेट्स को कैंसिल करेंगे। टू शेयर और अमाउंट आ जाएगा, और बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ये लो, फर्स्ट टाइम का भी 2 एंट्री, सेकंड का भी 2 एंट्री। अब जो थर्ड नंबर पे है उसे मैंने नाम दिया हुआ है फर्स्ट कॉल। अब मैं आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा, क्योंकि एक बार जब रिकॉर्ड बन गया तो पहले मैं मांगूंगा फिर आप मुझे दोगे। अब मैं पैसे किस चीज के मांगने वाला हूं, मैं शेयर फर्स्ट कॉल का, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट कॉल एसेट्स है। एंट्री करूंगा मैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बीइंग
शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब फर्स्ट कॉल पे एक रुपए है तो पांच शेयर थे, एक रुपए के हिसाब से पांच रुपए। इस एंट्री का मतलब है शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, मिला नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट इसलिए हुआ, मेरा एसेट्स है, कैपिटल मैं दूंगा आपको, मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगा। अब अगले बार आप मुझे पैसे दोगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल पांच रुपए, बीइंग लिखेंगे रिसीव्ड। फर्स्ट के लिए दो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जो दूसरी बार मांगते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का हमने करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टू आपका, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो थर्ड एंट्री मेरा था फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल पे भी मैंने पहले पैसे मांगा है, तो एंट्री था हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर सर्टिफिकेट जो आपको गारंटी मिल रहा है। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब टाइम आ गया फाइनल कॉल, या फिर मैं उसका नाम दे दूं सेकंड कॉल। तो मैं फाइनल कॉल का जब पैसा मांगने आऊंगा आपके पास, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब फाइनल कॉल कितने रुपए का है? चार रुपए का है, पांच शेयर था तो बीस रुपए, और टू शेयर कैपिटल। इसके बाद देखा जाए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल ड्यू। इसके बाद अगली एंट्री अगर हम देखें तो बैंक में पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बीस रुपए बीइंग शेयर फाइनल अमाउंट रिसीव। तो देखो आप, सबसे पहले अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री के अंदर मैंने इसके लिए भी दो एंट्री करा है, इसके लिए भी दो एंट्री है, फर्स्ट कॉल के लिए भी दो एंट्री, और सेकंड कॉल के लिए भी मैंने दो एंट्री, यानी हर केस के लिए दो दो एंट्री। फर्क यह है पहली एंट्री में पहले पैसा आया है फिर सर्टिफिकेट दिया गया है, बाकी सभी एंट्री में पहले सर्टिफिकेट दिया गया फिर पैसा आया है। तो एक बार आप फटाफट से ये सारी के सारी जर्नल एंट्री हर किसी के लिए एक कॉलम में ही नोट करना, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखो मैं बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में समझने के लिए। देखो क्वेश्चन आपका हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो वर्ड्स होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड्स नहीं समझ पाए तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो 6 से 7 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मैं बात करता हूं बेसिक टर्म्स में तो एक वर्ड आता है हमारा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब समझते हैं, मान लो ये कंपनी है, कंपनी, अब कंपनी की बात करूं और यहां पे जो भी पब्लिक है उसको मैं बोलूंगा शेयर होल्डर। अब कंपनी का काम क्या है? कंपनी टाइम टू टाइम इस शेयर होल्डर से
शेयर होल्डर है ये, इस शेयर होल्डर से टाइम टू टाइम अपना जो भी पैसा है मांगेगा। अगर ये पैसा मांगता है तो बोलेगा अलॉटमेंट लाओ, ये पैसा मांगेगा तो बोलेगा फर्स्ट कॉल लाओ, ये पैसा मांगेगा तो बोलेगा फाइनल कॉल। अगर सपोज करो कंपनी ने क्या करा, उससे ये भी पैसे मांग लिए और ये भी पैसे मांग लिए, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। तो कॉल्ड अप का मीनिंग है कंपनी ने कितने पैसे मांगा, कॉल्ड अप का मीनिंग है कंपनी ने कितने पैसे मांगा। तो अगर मैं बात करूं कितने पैसे मांगा, तो 2, 3, 5 और 1, 6, तो यहां पे मेरे वाले एग्जाम्पल में कॉल्ड अप होगा 6 रुपए का। तो कॉल्ड अप का मीनिंग क्या है, कंपनी कितना पैसा मांग रहा है। इसके बाद एक वर्ड आता है अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब होता है आपका, या कॉल्ड अप कैपिटल लिख देता हूं मैं, 6 रुपए। अनकॉल्ड कैपिटल होगा यहां पे जो कंपनी ने कॉल नहीं किया, किससे कॉल नहीं किया, शेयर होल्डर से, मांगा नहीं शेयर होल्डर से कि कितने पैसे चाहिए। तो इसने सारे तो मांग लिए, बस लास्ट वाला नहीं मांगा फाइनल, तो आंसर होगा इसका 4 रुपए जो कि नहीं मांगा, ये अनकॉल्ड है। इसके बाद अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने पैसे देता है, कंपनी तो सबसे सारा पैसा मांगेगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन शेयर होल्डर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना पेमेंट करेगा। ऐसा भी हो सकता है खरीदते टाइम पे बहुत सारा पैसा था, 1, 1.5 महीने, 2 महीने बाद इसके पास पैसे खत्म हो गए किसी भी रीजन से, तो ये बोलेगा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। या ऐसा भी हो सकता है कोई शेयर होल्डर जो कि बोले कि बार बार आप पैसे मांगोगे, मैं इकट्ठा ही दे देता हूं आपको सारे पैसे, दोनों पॉइंट पॉसिबल है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है मेरा पेड अप, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होगा, सपोज करो शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये नहीं दिया, बाकी ये वाला तो कंपनी ने मांगा ही नहीं था, तो शेयर होल्डर ने दिया कितने, 2 और 3, 5, तो पेड अप मानेंगे 5 रुपए का। यानी जितना शेयर होल्डर पेड कर रहा है वो पेड अप है, कंपनी तो जितना मर्जी मांग ले वो तो रहेगा कॉल्ड अप, लेकिन जितना शेयर होल्डर कंपनी को देगा वो रहेगा पेड अप, जो नहीं देगा वो क्या रहेगा हमारा अनपेड, जो कि उसने पेड नहीं किया। अनकॉल्ड और अनपेड में फर्क है, अनकॉल्ड में तो कंपनी मांग ही नहीं रहा और अनपेड में शेयर होल्डर नहीं दे रहा, और इसको एक दूसरा नाम देंगे, अनपेड को नाम देंगे कॉल सिनेरियर। अनपेड को जो कि अनपेड रहेगा उसको अनपेड नहीं बोलना, उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मेरे क्वेश्चन में कितना है यहां पे, 1 रुपए। तो कॉल्ड अप होता है जितना कंपनी ने मांग लिया, अनकॉल्ड जो कंपनी ने नहीं मांगा, पेड अप जितना शेयर होल्डर ने दे दिया, कॉल्स इन एरियर जितना शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो नहीं कितना नहीं दिया, ये वैसे कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो आप बोल रहे हो कि ये नहीं दिया और ये भी तो नहीं दिया, अरे ये मांगा ही नहीं था तो इसको मत इंक्लूड करो, जितना मांगा था और नहीं दिया उसको कॉल्स इन एरियर के कैटेगरी में करेंगे, ना कि जिसको नहीं मांगा वो भी नहीं देगा तो वो कॉल्स इन एरियर नहीं है हमारा। अगला पॉइंट आता है हमारा नंबर 5, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में ऐसा हो सकता है कंपनी इससे मांगता सिर्फ कितने, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, इस शेयर होल्डर ने क्या करा, उसने ये भी दे दिया और इसका पैसा भी पेड कर दिया, इसका पैसा भी दे दिया और फाइनली ये भी दे के चला गया। यानी जो पैसा कंपनी ना मांगे और ये फिर भी दे के जा रहा है उसको बोलेंगे एडवांस। यानी कॉल्स इन एडवांस कितना है यहाँ पे, 4 रुपए। तो कॉल्स इन एडवांस में आएगा 4 रुपए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहां भी 4 आए, कहीं बोलो वही दोनों सेम है,
तो यहां पे अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने नहीं मांगा, और कॉल्स इन एडवांस में जितना शेयर होल्डर एक्स्ट्रा देके गया, एक्स्ट्रा जो कंपनी ने नहीं मांगा उतना एक्स्ट्रा देके गया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब एक पॉइंट याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब ये पैसा नहीं दे रहा, या कंपनी नहीं दे, कंपनी नहीं मांग रहा, शेयर होल्डर नहीं दे रहा पैसा, ये नहीं दे रहा, तो कंपनी इससे क्या बोलेगा, इससे कि भाई तू पैसा लेट दे रहा है तो मुझे ब्याज भी दे। और ब्याज कितना होगा इस पे, कॉल सिनेरियर पे हमेशा याद रखना 10% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर टेबल एफ, कंपनी एक्ट 2013 में टेबल गिवन है, टेबल एफ में मेंशन है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपको लिखना होगा एज पर टेबल एफ आपका 10%। तो किस पे मैंने बताया, कॉल्स इन एरियर में। अब इसने कंपनी को एडवांस दे दिया, अगले वाले क्वेश्चन में एडवांस दे दिया ना इसने कंपनी को, अब बोलेगा भाई मैंने तुझे एडवांस दिया है तो रखा क्यों, वापस करता, मुझे भी ब्याज चाहिए, तो ये ब्याज मांगेगा। अब तो ये ब्याज लेगा कंपनी से, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, कंपनी से ये डिमांड करेगा 12%। यानी कॉल्स इन एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12% और कॉल्स इन एरियर पे होता है 10%। यानी इसमें थोड़ा सा जब इसे पेड करना होता है शेयर होल्डर को, यानी आपको पेमेंट करना है तो कम करोगे, जब आपका लेने का टाइम आ जाएगा इंटरेस्ट तो आप ज्यादा लोगे, यानी 12%। और किस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कॉल्स इन एडवांस पे। इसके बाद इसको मिटा देता हूं, ये कॉल सिनेरियर के सामने मैं टिक कर देता हूं। कॉल सिनेरियर कौन सा था, ये कॉल सिनेरियर यहां तक था, ये है कॉल सिनेरियर। और कॉल्स इन एडवांस क्या है हमारा, सिर्फ ये वाला पार्ट। इसके बाद एक शेयर होल्डर तो होगा नहीं, इतने सारे शेयर होल्डर है, मान लो इसमें से दो शेयर होल्डर ऐसे निकल गए जो बोल रहे हम पेमेंट नहीं देंगे, मैंने उनसे एप्लीकेशन का पैसा तो लिया ही लिया होगा, क्योंकि फेल होना स्टार्ट होगा एप्लीकेशन के बाद, फेल का मतलब पेमेंट देना। अब अलॉटमेंट पे मैंने बोला भाई पैसे दो, उसने बोला मेरे पास नहीं है, तो मैं बोलूंगा आपका हो गया कॉल्स एरियर, अलॉटमेंट है तो उसको अलॉटमेंट एरियर नाम दूंगा, कॉल पे होगा फेल तो कॉल सीन एरियर, तो मैं बोलूंगा भाई आपका अलॉटमेंट एरियर हो गया। मैंने बोला कब दोगे पैसे, उसने बोला मैं दे दूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं चलो। फिर मैंने बोला भाई अलॉटमेंट वाले तो दिए नहीं थे आपने, अब फर्स्ट कॉल का भी पैसा चाहिए वो भी दो, उसने बोला अभी भी नहीं है। मैंने बोला ये हो गया इसका कॉल सीन एरियर, यानी ये भी नहीं दे रहा ये तो। फिर फाइनल कॉल मांगने गया, मैंने बोला फाइनल कॉल भी आ गया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया आपने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, अब फाइनल कॉल भी आ गया, फाइनल कॉल के पैसे दो और बाकी सारा भी दो। उसने बोला सर अभी मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता। तो बताओ उसने दिया क्या था फिर, सिर्फ एप्लीकेशन। मैंने बोला आप जब दे ही नहीं सकते तो मैं आपके शेयर को कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल इन द सेंस आपने जो पैसे दिए थे वो तो भूल जाओ, आपको शेयर्स नहीं मिलेगा, आपके शेयर जो मैं आपसे छीनूंगा वो किसी और को बेच दूंगा जाके मैं, यानी आपके शेयर जो मैं आपसे छीन रहा हूं इसको बोलते हैं शेयर फोरफीचर करना, इसको बोलेंगे शेयर फोरफीचर। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके मैं कितने पैसे फोरफीचर यानी जब्त कर सकता हूं, सिर्फ सिर्फ 2 रुपए। क्यों, क्योंकि आपने दिया जितना था वही तो मैं आपके फोरफीचर कर सकता हूं, जो आपने नहीं दिया उसको मैं जब्त कैसे कर सकता हूं। तो शेयर फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर यहां पे मैं मान लेता हूं 2 रुपए, क्योंकि आपने ये वाला पेमेंट दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, तो शेयर फॉरफीचर हमेशा उसी अमाउंट का होगा जितना पैसा आप देते हो। एक मान लो मिस्टर राम है, राम से मैंने बोला भाई एप्लीकेशन का, तो उसने दे दिया, उसकी तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती एप्लीकेशन का, क्योंकि वो तो आप खुद ही लेके आओगे, अलॉटमेंट के टाइम पे भी दे दिया।
अलॉटमेंट के बाद जैसे ही फर्स्ट कॉल का टाइम आया, मैंने बोला राम आप मुझे पैसे दो, राम ने बोला मेरे पास है नहीं। मैंने बोला कि भाई आपके पास जब पैसे नहीं है तो मैं आपका शेयर फॉरफीचर कर लेता हूँ। यानी मैंने राम को मौका भी नहीं दिया, किस चीज का मौका नहीं दिया, फाइनल कॉल का। तो राम का मैंने फॉरफीचर यानी जब्त कर लिया किसके बाद, फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो बताओ राम के मैंने कितने पैसे जब्त किए होंगे, 5 रुपए। यानी दिए क्या थे उसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जो पैसा मुझे देगा सिर्फ वही पैसे मैं उसका फॉरफीचर करूंगा। तो शेयर फॉरफीचर का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से देखो, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल जितना कौन मांग रहा है, कंपनी। जैसे कि कंपनी ने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, तो कॉल्ड अप हो गया इन तीनों को जोड़ के। अनकॉल्ड कैपिटल वो जो कंपनी नहीं मांग रहा, कंपनी ने ये मांगा ही नहीं, अनकॉल्ड में कंपनी ने ये मांगा ही नहीं। इसके बाद क्या था, पेड अप। पेड अप का मतलब जितना शेयर होल्डर, यानी आप जितना कंपनी को पैसे दे दो, आपने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, तो 3 और 2 5 रुपए। इसके बाद जो आपने नहीं दिया इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको कॉल्स इन एरियर। अगर आप मुझे ज्यादा दे जाते हो, मैंने मांगा ही नहीं, आपने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये तो ये फालतू दे दिया, ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, तो इसका मतलब आपका 4 रुपए क्या माना जाएगा। तो ये दो दूसरे शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 4 रुपए दे गया, तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम एज पर टेबल एफ, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना है, 12%। अब शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है, जो पैसे आप दे देते हो और बाद में आप मेरे पैसे नहीं देते, तो कंपनी अल्टीमेटली डिसीजन ले लेता है कि इस व्यक्ति का तो शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाए। तो हम फॉरफीचर कितने अमाउंट का करेंगे, सिर्फ उसी अमाउंट का करेंगे जो आपने मुझे एक्चुअल में पेड किया है। जो आपने पेड नहीं किया उसका कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले तो हमने जर्नल एंट्री भी देखा, इनके जर्नल एंट्री क्या होगा। काफी लोगों का मानना है कि सिर्फ जर्नल एंट्री याद कर लो चैप्टर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है ऐसा। तो आपका सबसे पहले इनके 2 जर्नल एंट्री, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री था हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसके लिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा भी था इसका बैंक। ऐसे मैंने इसका और इसका सारा जर्नल एंट्री लिखवा दिया, बेसिक टर्म्स मैंने यहां पे लिखवा दिया। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा और किस तरीके से हमारा क्वेश्चन इसमें होगा। तो एक बार ये फटाफट से नोट करिए, अभी तक जितना भी हमने पोर्शन कवर किया था, आज मान के चलो आपका कंपनी अकाउंट का फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी का पोर्शन देखा था थोड़ा, सेकेंड क्लास, आज थर्ड क्लास है आपका कंपनी का। थर्ड क्लास के अंदर आज मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। अगर मैं आज मेन टॉपिक की बात करूं तो आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो मेन टॉपिक क्या होगा, मैंने बताया था शेयर इशू होगा। शेयर इशू होने के बाद जब कभी भी कंपनी इनवाइट करेगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने 10,000 शेयर बेचने का कोशिश, यानी मैंने आप लोगों को ऑफर करा कि मैं अपनी कंपनी का 10,000 शेयर बेचूंगा, लेकिन आप सब ने मिलके 10,000 से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, यानी मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गया 11,000। तो अब मैं लेकिन शेयर कैपिटल तो 10,000 रुपये का ही दूंगा, लेकिन आप सब ने मुझे एप्लीकेशन कितने शेयर मांगना स्टार्ट कर दिया, 11,000 रुपये का। इसलिए 1,000 रुपए का क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम ये सीखेंगे। रिजेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे इसके 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आज देखेंगे हम क्या क्या करना है। तो अगर मैं आपको तीनों ऑप्शन बताऊं तो आज हम करेंगे बेसिकली, सबसे पहले तो हम करते हैं एडवांस मनी का या फिर रिजेक्ट का, एडवांस मनी या फिर रिजेक्ट का। मेरा क्वेश्चन देखना ध्यान से, एग्जाम्पल मैं समरी बनाऊंगा, एग्जाम्पल देखना समरी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, इसको ध्यान से देखना आप, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जिसने इशू किए इसने 10,000 इक्विटी शेयर,
लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो 11,000 इक्विटी शेयर, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड, और जो डायरेक्टर था कंपनी का उसने बोला कि हमें पैसे किस तरीके से चाहिए, उसने कुछ ऐसे बताया कि जो 10 रुपए है, 10 रुपए को उसने बोला 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए, इस तरीके से डिटेल बताया है। अब इसके अंदर जो पहले वाले पॉइंट को हम नाम देंगे एप्लीकेशन, दूसरे वाले को नाम देंगे अलॉटमेंट, तीसरे वाले को मैं फाइनल कॉल या फिर फर्स्ट कॉल बोल सकते हो। ये मेरे पास 3 कॉल है। समस्या यहां पे ये है कि अब जर्नल एंट्री हम 10,000 से करेंगे या 11,000 से, और 1,000 है तो उसका क्या करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं करवाऊंगा, पहले मैं रिजेक्ट वाला बता रहा हूं आपको। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस का मतलब ज्यादा, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव देन रिजेक्टेड, और जब रिजेक्ट कर देंगे तब कैसे एंट्री होगा वो देखेंगे हम। सबसे पहले आप सबने क्या करा, मुझे पैसे दिए, कितने शेयर के पैसे दिए, 11,000 के। तो आप खुद सोचो, आपने 11,000 के हिसाब से चेक दिया होगा मुझे, जब मुझे पैसे दिए आपने तो आपने मुझे 11 हिसाब के हिसाब से दिया होगा। तो मैं पहली एंट्री करूंगा, मेरे बैंक में जो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में आपने मुझे 11,000 के हिसाब से चेक दिए होंगे, तो 11,000 इंटू में 2, 22,000 रुपए, और 2 किस चीज का आया मेरे पास, शेयर एप्लीकेशन का, और ये 22,000 रुपए आ गया बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो पहली एंट्री का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शेयर दे रहा हूं, पहली एंट्री का तो मतलब जस्ट ये है कि आपने कितने पैसे मुझे दिए उसकी एंट्री करी है मैंने। अगली एंट्री में मैं जितने भी इशू करूंगा इससे ज्यादा मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं आपको शेयर दे पाऊं, तो मैं शेयर कैपिटल तो 10 का ही दूंगा। तो अगली एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पूरे 22,000 से करेंगे, लेकिन कैपिटल देने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राइट है 10,000 शेयर का, तो मैं आपको दे सकता हूं ओनली 20,000 रुपीज। बाकी के 2,000 मैंने बताया कि बैलेंस क्या करना है, एक्सेस जो भी है, एक्सेस मैंने बोला आपको करना है रिजेक्टेड, तो एक्सेस जो भी रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट कैसे होगा, मैं टू बैंक लिख दूंगा, टू बैंक लिखते ही रिजेक्ट हो जाएगा। कितना रिजेक्ट होने वाला है हमारा, 1,000 शेयर, 1,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, तो रिजेक्टेड हो जाएगा मेरा 2,000। तो नेक्स्ट एंट्री में देखो, एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने अभी, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिजेक्ट का मतलब वापस करना, अब मैं आपके पैसे वापस करूंगा तो मेरा बैंक होगा क्रेडिट, इसलिए एंट्री क्या करा मैंने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक। बैंक इसलिए किया क्योंकि मैंने आपके पैसे वापस दे दिए, किसके, सबके नहीं, जिसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया था। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना आया था, सिर्फ और सिर्फ 1,000। अब आपको इसमें ये नहीं सोचने की जरूरत है कि किसका एक्स्ट्रा आया था, बस आपको ये मानना है कि जिसका एक्स्ट्रा था हमने रिफंड कर दिया। अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री मैं इधर कर रहा हूं, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर शेयर अलॉटमेंट की बात करूं तो अब जितने भी एंट्री है वो सारा का सारा 10,000 से होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 50,000 रुपए। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, यानी फर्स्ट एंट्री मैंने 11,000 से इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 11,000 का पैसा आया है, लेकिन मैंने पब्लिक को दिया कितना है, सिर्फ 10,000 ही दिया है, तो मैं अलॉटमेंट का पैसा जितने शेयर मैंने दिए हैं उसी के तो मांगने जाऊंगा, तो अलॉटमेंट का पैसा मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 पब्लिक से मांगने जाऊंगा, और 5 रुपए का अलॉटमेंट है तो इसलिए 50,000।
अगली एंट्री में देखते हैं एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपए और 50,000 रुपए, ये लो अलॉटमेंट की एंट्री मैंने क्या कर दिया कंप्लीट। इसके बाद एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे अब फिर से मुझे किससे करना है, 11,000 या 10,000, 10,000 से होगा एंट्री। देखो आपका फाइनल कॉल का शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई, फाइनल कॉल 3 रुपए का है तो 30,000। और इसके बाद अगली एंट्री यहां पे क्या लिखेंगे, इसका बीइंग क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, और इसका बीइंग क्या लिखने वाले हैं, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। लास्ट एंट्री क्या करने वाले, एक और एंट्री बैंक में पैसा आ जाएगा, तो एंट्री हमारा होने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 और 30,000, इसका बीइंग आप खुद लिखोगे, बीइंग होगा शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। तो जो मैंने ये वाला केस करवाया है, केस का नाम मैं लिख देता हूं, ये मैंने रिजेक्टेड का करवाया है, When share over subscribe। अब आपको over subscribe का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, over subscribe का मीनिंग है जब हमारा शेयर एप्लीकेशन से ज्यादा आ जाए, over subscribe एंड एक्सेस एप्लीकेशन, जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है क्या करा मैंने, विल बी रिजेक्टेड, विल बी रिजेक्टेड, ये हमारा हेडिंग हो गया। और इसका मैं क्वेश्चन भी लिखवा देता हूं आपको, क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा मैं, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा दूं, बस यहां पे ही रिजेक्ट हो गया, इसके आगे इस एंट्री का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन लिख लो आप, इसका क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, पहले क्वेश्चन, पहले हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखने के बाद ये हेडिंग नोट कर लो पहले आप, इसके बाद क्वेश्चन, फिर उसका आंसर नोट करना है। क्वेश्चन लिखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्वेश्चन लिखना एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर, ऑफर टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीस ईच, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड पेबल एज, पेबल एज 2 रुपीस ऑन एप्लीकेशन, हाँ 2 रुपीस ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीस ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव 11,000 इक्विटी शेयर
एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिजेक्टेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिजेक्टेड. जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा होगा उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन है मैंने लिखवाया भाई, एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसने अपने कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को 10,000 इक्विटी शेयर और 2 रुपए, 5 रुपए और बैलेंस 3 रुपए का, और एप्लीकेशन 11,000 रुपए का आ गया. और बोलता है क्वेश्चन में जितना भी फालतू एप्लीकेशन आया उसे कहां क्या कर दो, रिजेक्ट. तो हमेशा रिजेक्ट सेकेंड एंट्री में किया जाता है, ये ध्यान रखना. एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो एंट्री होगा उसी पे रिजेक्ट होगा हमेशा. अब फटाफट से आप नोट करिए, ये आंसर है इसका. देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया, जब भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया तो रिजेक्ट. रिजेक्ट का मतलब वापस कर दिया मैंने उसके पैसे. इस वाली का टॉपिक का नाम मैंने देखो क्या लिखा हुआ इस वाले का, व्हेन शेयर एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब. मतलब फिर से, यानी जैसे कि मेरे 10,000 इशू किया लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 11,000, तो ये हो गया ओवर सब्सक्राइब. एंड एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है हमारा 1,000. एक्सेस एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड. एडजस्टेड का मतलब होता है हम उसके पैसे वापस नहीं देंगे. इसका मतलब होता है मैं अलॉटमेंट पे फिर पैसे मांगूंगा, तो अलॉटमेंट पे जब मैं पैसे मांगूंगा तो जिसने पैसे ज्यादा दे रखे हैं, मान लो किसी कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसने मांगे होंगे 5 शेयर, उसको मैंने दिए होंगे 3 शेयर, तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है अलॉटमेंट पे, क्या करना, आप मुझे कम पैसे दे देना. तो एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्टेड. अब देखो यहां पे जर्नल एंट्री मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इशूड किया मैंने 10,000, एप्लीकेशन रिसीव 11 और एक्सेस को मैंने कर देना है एडजस्टेड. एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 5 रुपए का और फाइनल कॉल हमारा 3 रुपए का. फाइनल कॉल हमारा 3 रुपए का. अब इसके अंदर देखते हैं एंट्री की बात करूं, फर्स्ट एंट्री आपने क्योंकि 11,000 एप्लीकेशन लगाए हैं शेयर लेने के लिए, तो मेरे पास 11,000 के हिसाब से पैसे आया होगा. तो फर्स्ट एंट्री जो मैं करूंगा, फर्स्ट एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, ग्यारह हजार मल्टीप्लाई 2 22,000 रुपए. इसके बाद मेरे पास 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 22,000 रुपए. इसका बीइंग हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड. अब अगली एंट्री क्या करेंगे, पैसे वापस नहीं करना. नेक्स्ट एंट्री देखो आप, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे 22,000 से, मेरे पास सर्टिफिकेट देने का सिर्फ राइट कितना है 10,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000. 20,000 कैसे आए, 10,000 शेयर्स 2 रुपए का एप्लीकेशन. बाकी पैसा जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट पे. तो मैं अब आगे यहां पे बैंक की जगह पे लिखूंगा 2 एडवांस ऑन अलॉटमेंट 2,000 रुपए. कैसे, 1,000 शेयर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 2, तो 2,000 रुपए मेरा एडवांस आ गया. तो एंट्री आपका सेकंड में इंपैक्ट आएगा. ज्यादातर स्टूडेंट का सेकंड एंट्री गलत होता है और अलॉटमेंट वाली एंट्री गलत करते हैं, बाकी सारा बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट लगेगा वो सारा यहीं पे होगा. इस एंट्री का मतलब है कि भाई जिसके भी एक्स्ट्रा पैसे 2,000 हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे पूरे पैसे ना दे, वो अपने पैसे कट करके दे. लेकिन मैं अलॉटमेंट पे मांगूंगा सबसे ही, क्योंकि सर्टिफिकेट तो देना ही है. अलॉटमेंट पे मैं एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 50,000 से ही, क्योंकि सर्टिफिकेट तो देना ही है आपको. अब अगले जब बैंक में पेमेंट रिसीव करूंगा तो इस एंट्री को ध्यान से देखना,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में मुझे उम्मीद है कि 50,000 आ जाएंगे, लेकिन 2,000 रुपये नहीं आएगा क्योंकि उसने पहले पेड करा हुआ है, तो बैंक में आएगा 48,000 और अलॉटमेंट एडवांस। ₹2,000 एडवांस यहां पे क्रेडिट एडवांस इसलिए हुआ क्योंकि मेरे लिए लाइबिलिटी है, यहां पे डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां मेरा लाइबिलिटी खत्म होने जा रहा है, एडवांस यहां पे उसका कैंसिल हो जाएगा। और टू शेयर अलॉटमेंट ₹50,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। फिर से देखो एंट्री, आप पहली एंट्री में जितने शेयर रिसीव किए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उससे अगली एंट्री में शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। अब कैपिटल तो मैं जितना इशू करूंगा उससे ज्यादा कभी दे ही नहीं सकता, एप्लीकेशन भले ही आप जितने मर्जी का लगा दो, तो ₹20,000। और एडवांस का पैसा अगर मैं रिफंड करता तो लास्ट मैंने क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या लिखा था, टू बैंक, अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट, तो यही लिखने का मतलब है कि एडजस्ट करना। अगली एंट्री की मैं बात करूं अगर, तो नेक्स्ट एंट्री देखो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके अंदर क्या हुआ हमारा कि मैं हर किसी से पैसे मांगूंगा, चाहे जिसने एडवांस दे भी रखा है चाहे नहीं भी दिया हुआ है, हर किसी से मैंने मांगा टोटल 50, लेकिन 50,000 मेरे पास नहीं आया, माइनस 2,000 जिस व्यक्ति ने मुझे एडवांस दिया होगा वो अपना माइनस कर देगा, तो 48 आ गया। यहां पे एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 और टू शेयर अलॉटमेंट पूरे ₹50,000। अब मैं एंट्री करता हूं आगे, देखा जाए तो आगे एंट्री मैं करता हूं किसका, शेयर फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल में देखते हैं कुछ चेंजेस आता है क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹30,000। ₹30,000 कैसे, 10,000 शेयर है मल्टीप्लाई 3। अगली एंट्री की मैं बात करूं तो अगली एंट्री बैंक में पैसा आएगा, यहां कर रहा हूं इसके बाद की एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो आप बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे मुझे किसी ने एडवांस नहीं दिया, सिर्फ पैसा एडवांस कहां तक का दिया है, अलॉटमेंट तक का ही दिया है, तो इसका मतलब फाइनल कॉल पे मुझे पूरे का पूरा पेमेंट मिलने वाला है, और पूरा पेमेंट कितने मिलेगा, ₹30,000। इसका बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट डू ड्यू, और इसके बाद नेक्स्ट का बीइंग क्या होगा हमारा, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। क्वेश्चन मैंने यहां पे समरी पहले वाला ही क्वेश्चन जो था वही है, क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लेना, आप अज्यूम इन द लास्ट एग्जाम्पल एक्सेस लिख लो, आप पहले हेडिंग का लाइन छोड़ के अगले लाइन से लिख लेना, अज्यूम इन द लास्ट एग्जाम्पल, अज्यूम इन द लास्ट एग्जाम्पल एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी एडजस्टेड। बस क्वेश्चन आपका पिछले वाला ही है सारा, ये उस क्वेश्चन का मैंने समरी बना दिया और ये टॉपिक का नाम है और ये जर्नल एंट्री। अब फटाफट से नोट करिए आप जर्नल एंट्री। हाँ जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का मीनिंग ना, हाँ वही शेयर एप्लीकेशन ही है।